हेलो फ्रेंड, वेलकम इन होम नर्सिंग एकेडमी। मैं नील कांटीवाल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे ब्रीस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन और टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन के बारे में, ठीक है? जो भी स्क्रीनिंग टेस्ट है उसके बारे में देखेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि हर बार इसमें से एक या दो क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है? इसीलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिए। तो इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं ब्रीस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। ब्रीस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन में देखिए, ये एक स्क्रीनिंग का मेथड है, ठीक है? ये किसका मेथड है? स्क्रीनिंग का मेथड है। कोई भी कंफर्मेटिव टेस्ट नहीं है, कोई भी एब्सोल्युटली टेस्ट नहीं है, ठीक है? ये किसका मेथड है? ये स्क्रीनिंग का मेथड है। एग्जाम में क्वेश्चन आए तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है? किसके लिए काम में लेते हैं? किसके लिए काम में लेते हैं? जो भी डिटेक्ट करने के लिए काम में लेते हैं, जो भी ब्रिस्ट कैंसर है उसको डिटेक्ट करने के लिए, अर्ली डिटेक्ट ऑफ ब्रिस्ट कैंसर, ठीक है? अर्ली डिटेक्शन ऑफ ब्रिस्ट कैंसर, उसके लिए हम क्या करते हैं? ब्रिस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन वो करवाते हैं, ठीक है? इसमें नेक्स्ट देखिए, द मेथड इन्वॉल्व वुमेन हरसेल्फ लुकिंग एट द फिलिंग इच ब्रीस्ट फॉर पॉसिबल लम्स डिसोर्शन और स्वेलिंग। इसमें जो वुमेन है वो खुद अपने आप से क्या करेगी? ब्रीस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करेगी और वो देखेगी कि जो भी ब्रीस्ट है उसमें किसी तरीके का लम्प मास और स्वेलिंग तो नहीं है, ठीक है? क्या देखेगी वुमेन? कि जो भी ब्रीस्ट है उसमें किसी तरीके का लम्प मास और जो भी डिस्टॉर्शन है वो तो नहीं है, ठीक है? अगर ये इस तरह की चीजें रही तो वो किसको इंडिकेट करती है? ब्रिस्ट कैंसर को, ठीक है? यानी जो भी लेडीज है उसको फिर डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। इसमें हम नेक्स्ट देखेंगे परफॉर्मिंग ब्रिस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। जो भी ब्रिस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन है किसको परफॉर्म करना चाहिए, कब परफॉर्म करना चाहिए? इसमें देखिए, परफॉर्म 7 डेज आफ्टर स्टार्ट ऑफ मेनस्ट्रुएशन। अगर कोई लेडीज है, ठीक है, तो उसको ब्रिस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन कब करना है? वो करेगी जब भी उसका मेन्स्ट्रुएशन साइकिल शुरू होगा, उसके 7 दिन बाद, ठीक है? उसके 7 दिन बाद वो क्या करेगी? ब्रिस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। और पोस्ट मेनोपॉजल जो भी वुमेन है वो कब करेगी? जो भी कोई वुमेन है वो हर महीने की कोई 1 तारीख चूज कर लेगी, या तो वो हर महीने की 5 तारीख को, 10 तारीख को, 15 तारीख को, वो एक जो भी डेट है वो क्या कर लेगी? चूज कर लेगी कि उस हर महीने की तारीख को उसको क्या करना है? ब्रिस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन है वो करना है, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है? ये वाला पूछा गया है एग्जाम में। इसमें नेक्स्ट देखिए, अभी हम बात करेंगे जो भी ब्रिस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन कैसे करते हैं, कहाँ पे करते हैं और किस तरीके से करना चाहिए उसके बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके सेटअप की, ठीक है, कि कैसा सेटअप होना चाहिए। हमेशा एक चीज ध्यान में रखना, ये कैसा होना चाहिए? प्राइवेट कंफर्टेबल स्पेस, ठीक है? अगर वुमेन है वो ब्रिस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन कर रही है तो जाहिर सी बात है उसको प्राइवेसी चाहिए, ठीक है? और वो एकदम कंफर्ट होके क्या करेगी? ब्रिस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन है वो करेगी, ठीक है? अनड्रेस, यानी उसमें आपको किसी तरीके की ड्रेस नहीं पहननी है, ठीक है? आपका जो भी अपर, जो भी टॉप गाउन जो भी हो उसको निकाल कर वैसे अनड्रेस होके क्या करना है? ब्रिस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन है वो करना है। ये आप स्टैंडिंग और सिटिंग पोजिशन में कर सकते हो मिरर के सामने, ठीक है? और इसके लिए आपको रिलैक्स होना भी जरूरी है, ठीक? अब इसमें नेक्स्ट देखिए, ब्रिस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करने के लिए हम 7 स्टेप के बारे में देखेंगे, ठीक है? 7 स्टेप के बारे में देखेंगे जो आपको हर एक महीने में 15 मिनट के लिए करनी है, ठीक? इसमें देखते हैं सबसे पहले ब्रिस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन की फर्स्ट स्टेप है वो क्या होगी। ये होगी ऑब्जर्व स्टेज, जिसको हम क्या बोलते हैं? इंस्पेक्शन, ठीक है? ये क्या है? ऑब्जर्व स्पेस जो भी स्टेप है वो है, जिसको हम इंस्पेक्शन के नाम से जानते हैं। इसमें देखिए, इसमें जो भी लेडी है वो दोनों आर्म को कहाँ पे रखेगी? वेस्ट पे, जैसे आप डायग्राम पे देख सकते हो, ठीक है? और टर्न आर्म इनवर्ड, जो भी आर्म है वो अंदर की तरफ रहेंगी। टर्न अराउंड साइड टू ऑब्जर्व चेंज ऑफ द शेप साइज ऑफ बोथ ब्रिस्ट, ठीक है? ये वाली पोजीशन इसी वाली पोजीशन है, तो इसमें जो भी लेडीज है वो रहेगी और जो भी ब्रिस्ट है उनको, उनकी जो भी शेप है, साइज है, उनको ऑब्जर्व करेगी, ठीक? ये इसकी फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में देखिए, बात करता हूँ मैं सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप में जो भी लेडीज है वो ऐसे ही रहेगी लेकिन आगे की तरफ झुकेगी। देखिए इसमें देखिए, बेंड स्लाइटली फॉरवर्ड बाउ टूवर्ड मिरर, जो भी मिरर है उसकी तरफ आगे की तरफ ऐसे झुकेगी, जैसे आप डायग्राम को देख सकते हो। ये इसकी सेकेंड स्टेप है, ठीक है? और फिर वापस से क्या करेगी? ऑब्जर्व करेगी किसी तरीके की जो भी चेंज है, शेप है उसके अंदर, और ऑब्जर्व करेगी जो भी ब्रिस्ट की जो भी साइज है, शेप है, उसको क्या करेगी? ऑब्जर्व करेगी, इंस्पेक्ट करेगी कि उसमें किसी तरीके का चेंज तो नहीं है, ठीक? अब इसमें नेक्स्ट देखिए, थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या होगा? रेज हैंड्स ओवर हेड,
जो भी हैंड है वो क्या होगी पीछे की तरफ रखे जाएंगे। देखिए देखिए आप इसको जो भी डायग्राम उसको देखते जाइए, ठीक है। रेज हैंड ओवर हैंड, ठीक है। जो भी हाथ है वो क्या है पीछे शरीर सिर के पीछे की तरफ है। और इसमें नेक्स्ट देखिए टर्न साइड बाई साइड टू लुक फॉर एनी चेंज। फिर आपको क्या करना है टर्न साइड बाई साइड, ये देखिए इस तरीके से होकर फिर ऐसे इस तरीके से साइड बाई साइड ऐसे देखना है कि जो भी ब्रिस्ट के ब्रिस्ट में कोई चेंजेस है वो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। टर्न साइड बाई साइड ऐसे हाथ लगा के और इस तरीके से देखना है मिरर के अंदर कि जो भी ब्रिस्ट है उसमें किसी तरीके का चेंज है वो तो नहीं दिख रहा, ठीक। इसमें नेक्स्ट देखेंगे ब्रिस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन की फोर्थ स्टेप, ठीक है। इसमें लेडी है वो लेट के जो भी क्या करेगी पालपेट करेगी, जो भी ब्रिस्ट है उसको क्या करेगी पालपेट करेगी। तो इसमें देखिए लाई डाउन, लाई डाउन ये लेट के होगा, जैसे इसमें आप देख सकते हो फोर्थ स्टेप में आप देख सकते हो जो भी वुमन है वो क्या है लेटी हुई है, ठीक है। और कीप फोल्डेड टॉवल थिन पिलो, जो भी आपके पास टॉवल है उसको लपेटेगी या फिर पतला जो भी पतला पिलो है तकिया है उसको काम में लेंगे किस तरीके से, ठीक है। यानी जो लेडीज है वो लेट जाएगी। अब ये देखिए अगर उसको लेफ्ट साइड का जो भी ब्रिस्ट है उसको पालपेट करना है तो वो क्या करेगी लेफ्ट साइड के हैंड को ऐसे सिर के पीछे की तरफ लेके जाएगी। और जो भी मैंने पिलो बताया, जो भी थिन पिलो बताया है और जो भी टॉवल बताया वो लेफ्ट साइड के कहाँ पे रखेगी शोल्डर के नीचे, ठीक है। लेफ्ट साइड शोल्डर के नीचे रखना है और हाथ को ऐसे करके लेट जाना है। और फिर क्या करेगी फिर जो भी ब्रिस्ट है उसको क्या करेगी पालपेट करेगी। पालपेट हम हमेशा शुरुआत करते हैं अपने जो भी तीनों फिंगर है उसके पैड से, है फिंगर पैड, ठीक है। इनसे पालपेट करना शुरू करते हैं इस तरीके से, ठीक। और पालपेट कैसे करेंगे इसके बारे में भी जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे पालपेट किया जाता है, लेकिन आप समझ लीजिए ऐसे इससे पालपेट किया जाता है, ठीक है। ये हो गई इसकी फोर्थ स्टेप, ये लेफ्ट साइड का हो गया। अब इसी तरीके से आपको राइट साइड का करना है, ये राइट साइड का हो गया, ठीक है। तो पिल्लो या फिर जो भी टॉवल है वो आप जो भी राइट साइड का जो क्या है शोल्डर है उसके नीचे लगाओगे। उसके बाद में जो भी लेफ्ट साइड के जो भी हैंड के जो फिंगर है उनसे क्या करोगे जो भी ब्रिस्ट है उसको पालपेट करना है, ठीक। ये है ब्रिस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन की फोर्थ स्टेप, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट देखिए पाम पोजीशन, जो भी पाम पोजीशन है उसकी कैसे होगी। तो इसके लिए मैंने बताया था हम जो भी क्या करते हैं यूज पैड ऑफ थ्री फिंगर, जो फिंगर है उसको काम में लेते हैं, ठीक है। जो भी थ्री फिंगर पैड है ये क्या है फिंगर पैड है, इनको काम में लेंगे। ग्लाइड अक्रॉस ब्रिस्ट टू पालपेट डोंट लिफ्ट, यानी जो भी ब्रिस्ट है उसको क्या करेंगे पालपेट करेंगे और उसको उठाना नहीं है, ठीक। नेक्स्ट है एग्जामिन टोटल ब्रिस्ट एरिया, जो भी ब्रिस्ट का एरिया है उसको टोटल को ही क्या करना है एग्जामिन करना है, ये नहीं कि यहीं से कर लिया यहीं से कर लिया, नहीं उसको यहाँ से ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी तरीके से एग्जामिन करना है। यूज सोप पाउडर फॉर स्मूथ मूवमेंट, ठीक है। आप स्मूथ मूवमेंट के लिए जो भी पाउडर है या सोप है उसका भी इस्तेमाल है वो कर सकते हो। नेक्स्ट है यूज पाम ओनली इफ नो सेंसेशन इन फिंगर, कईयों का क्या होता है कि कईयों के जो फिंगर पैड है उनमें उनको पता नहीं चलता किसी तरह के सेंसेशन होते हैं उनमें, उनको सेंसेशन का कम पता चलता है। यानी कई वालों के ये जो फिंगर पैड है क्या होते हैं एकदम से कठोर होते हैं, ठीक है, तो उनको पता नहीं चलता। तो वो पाम है जो हाथ का पाम है उसको भी क्या कह सकते हैं उसकी भी मदद ले सकते हैं, ठीक। इसमें नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट स्टेप, इसमें देखिए ब्रिस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन एरिया। तो ब्रिस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन का एरिया कौन सा होगा अभी बताया था मैंने, तो इसके लिए हम इंटायर एरिया है वो काम में लेंगे, जैसे नेक है आर्म पीट है और बॉटम टू ईच ब्रिस्ट। इसमें देख सकते हो इसमें पूरा ब्रिस्ट आ गया और आर्म पीट आ गया, जो एक्सिलरी पार्ट है कुछ वो आ गया और नेक वाला एरिया आ गया, ठीक है। ये वाला एरिया हम क्या करेंगे पालपेट करके देखेंगे, ठीक है, अपने हाथ से अपनी जो पाम है फिंगर पैड है उसकी सहायता से क्या करेंगे पालपेट करेंगे कि इस एरिया में किसी तरीके का मास किसी तरीके का लंप या ट्यूमर तो नहीं है, ठीक। अब नेक्स्ट देखिए ब्रिस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन की मैंने 5 स्टेप बताए थे, तो मैंने बताया था कि पालपेशन कैसे करते हैं मैं वो बताऊंगा, ठीक है। एनी थ्री मोशन स्टाइल कवर ईच ब्रिस्ट फुली, तो अब इनको मैं तीनों को बताता हूं। तो तीन स्टाइल कौन कौन सी हो गई थ्री मोशन, ये हो गया वर्टिकली, ये क्या हो गया वर्टिकली, वर्टिकली कैसे करते हैं देखिए, ये समझिए कि मैं अपने जो लेफ्ट साइड के जो भी ब्रिस्ट है उसको एग्जामिन कर रहा हूं, तो इस तरीके से ये इस तरीके से किया जाता है, ठीक है। ये क्या है वर्टिकली, ये होता है वर्टिकली, ठीक। नेक्स्ट है ये है वेज,
तो वेज वेज किसे किया जाता है इस तरीके से, ये क्या है, ये होता है वेज, ठीक है, ऐसे इसको बोलते हैं वेज मोशन। और थर्ड है, जो थर्ड स्टाइल है वो क्या है, सर्कुलर। सर्कुलर जो भी ब्रिस्ट का, जो भी निपल का एरिया है उसके चारों ओर आपको ऐसे सर्कुलर मोशन में आपको क्या करना है, पालपेट करके देखना है कि किसी तरीके का लंब, किसी तरीके के जो भी मास है वो तो नहीं है, ठीक है, वो सर्कुलर एरिया में होगा, ठीक है, समझ गए। वर्टिकली ये वर्टिकल का है, ये वेज है और ये सर्कुलर है, ठीक। अब इसमें नेक्स्ट देखिए, आपको आर्म पीट है वो भी देखनी है, पे स्पेशल अटेंशन टू दिस एरिया। कई बार क्या होता है, अगर कोई लेडीज है अगर वो लेट के क्या करती है, ब्रिस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करती है, तो जो भी ब्रिस्ट टिश्यू है वो आर्म पिट की तरफ भी क्या करते हैं, फैलते हैं, ठीक है। तो वो क्या करेगी, बैठेगी सिटिंग पोजीशन में बैठेगी या स्टैंडिंग पोजीशन में होके जो भी आर्म पिट वाला एरिया है उसको भी मेजर करेगी, ठीक है। जो वहां पे किसी तरह की जो भी सूजन है, लिम्फ नोड है, उसमें सूजन तो नहीं है, वहां पे किसी तरीके का मास तो नहीं है, ठीक है। तो वो जो भी आर्म पिट एरिया है, एक्जिलरी एरिया है, उसको पालपेट करेगी। इसमें नेक्स्ट देखिए, ब्रिज सेल्फ एग्जामिनेशन की जो 7 स्टेप है उसको देखना है आपको। अब क्या करना है, निप्पल को चेक करना है, निप्पल को चेक करना है। तो निप्पल को आपको क्या करना है, दबा के देखना है, ऐसे जो भी निप्पल है उसको दबा के देखना है, उसके तरी उसके कहीं से कोई किसी तरीके का डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा, कोई ब्लड है, कोई पस है, वो तो नहीं निकल रहा, ठीक है। वो किसको इंडिकेट करता है, वो ब्रिज सेल जो भी ब्रिस्ट कैंसर है उसको इंडिकेट करेगा, ठीक है। ये था निप्पल को चेक करना, ये क्या था, ब्रिज सेल्फ एग्जामिनेशन। अब इसमें देखिए, ब्रिज सेल्फ एग्जामिनेशन आपने कर लिया, अगर ब्रिज सेल्फ एग्जामिनेशन नॉर्मल है तो आप उसको रिपोर्ट करके रखना अपने पास, रिपीट करना है हर महीने में एक बार, हर महीने में एक बार, क्योंकि 28 दिन से आपको क्या आता है, मेन्स्ट्रुएशन आता है, जो जो नॉर्मल साइकिल है, अगर उसमें कोई किसी के 29 हो सकता है, 27 हो सकता है, तो महीने में एक बार आपको क्या करना है, ब्रिज सेल्फ एग्जामिनेशन है वो करना है, ठीक है। अगर आपको अब नॉर्मल ब्रिज सेल्फ एग्जामिनेशन में फाइंडिंग हुई, अब नॉर्मल मतलब आपको मां कोई भी ब्रिस्ट है उसमें मांस देखने को मिला है, ब्रिस्ट में सूजन बनी हुई है, वहां पे किसी तरह का टेंडरनेस है, वहां पे दर्द हो रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, क्या करना है, CBE। CBE क्या है, क्लिनिकल ब्रिस्ट एग्जाम। जो भी डॉक्टर है या कोई भी ट्रेंड नर्स है उससे आप क्लिनिकल ब्रिस्ट एग्जाम है वो करवाओगे। अगर आपको अब नॉर्मल लगा तो आप क्या करोगे, जो भी डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट है वो करवाओगे, ठीक है। डॉक्टर क्या करेगा, उसको क्या करेगा, ब्रिज सेल्फ एग्जामिनेशन करेगा, अगर उसको भी अबनॉर्मल लगा तो क्या किया जाएगा, उसको डायग्नोस किया जाएगा कि वो ब्रिस्ट कैंसर है कि नहीं, उसको मेमोग्राम है या बायोप्सी करवाएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग अगर उसको कैंसर है तो उसका ब्रिस्ट कैंसर का क्या चलेगा, ट्रीटमेंट चलेगा, ठीक है। ये था ब्रिस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन के बारे में। अब हम बात करेंगे टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन, इससे भी एग्जाम क्वेश्चन आता है, कब परफॉर्म करते हैं, कैसे परफॉर्म करते हैं, इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जाम के बारे में। जो टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन है ये क्या है, एक प्रोसीजर है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, अर्ली टेस्टिकुलर कैंसर को डायग्नोज कर सकते हैं, चेक करते हैं, ठीक है। ये भी क्या है, एक स्क्रीनिंग मेथड है, अर्ली डिटेक्शन ऑफ टेस्टिकुलर कैंसर, ठीक है। जैसे हम ब्रिज सेल्फ एग्जामिनेशन कर रहे थे उसी तरीके से क्या करेंगे, टेस्टिकुलर एग्जामिनेशन करेंगे। इसमें देखिए, इसमें जो आदमी है वो क्या करेगा, अपने जो भी टेस्टिकल है उसको क्या करेगा, एग्जामिन करेगा, जो भी और जो भी स्क्रोटम है उसको क्या करेगा, एग्जामिन करेगा कि उसमें किसी तरीके का लंप स्वेलिंग तो नहीं है, और ये रेगुलर बेसिस पे परफॉर्म होगा, ठीक है। यानी हर महीने जो भी क्लाइंट है वो क्या करेगा, अपने टेस्टिस है, स्क्रोटम एरिया है, उसको चेक करेगा कि उसमें किसी तरीके का मांस लंप तो नहीं है, ठीक है। हर महीने या महीने में एक बार उसको करना है। इसमें देखिए ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम इसी में से क्वेश्चन आता है, कब परफॉर्म करेंगे, परफॉर्म कब करेंगे, एग्जामिनर पूछ लेगा कब परफॉर्म करोगे, तो होगा ए डे ऑफ द मंथ, वो आपको सेलेक्ट करना है, आपको सेलेक्ट करना है कि महीने की कौन सी तारीख को आप टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन करोगे, कि महीने की 15 तारीख को ही करना है, कि हर 15 तारीख को आप क्या करोगे, टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन करोगे, या 20 तारीख को चूज कर लिया, तो हर महीने की आपको ये रिपीट करना है, ठीक है। और आप उस महीने की उसी तारीख को करोगे, ये मैंने बता दिया, ठीक। हाउ टू परफॉर्म टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन, जो भी टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन है ये परफॉर्म कैसे करोगे, ठीक है। तो इसमें देखिए, परफॉर्म टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन इज राइट आफ्टर ए शोवर,
जो भी टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन है ये हमेशा आपको शोवर के बाद में ही करना चाहिए, ठीक है। और शोवर भी किससे करे, वार्म वाटर से, गर्म जो भी गुनगुना पानी है उससे करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर उससे करोगे तो जो भी स्क्रोटल की स्किन है वो क्या हो जाएगी, मॉइस्ट होगी और रिलैक्स होगी, ठीक है। यानी जो भी स्क्रोटल की जो स्किन है वो क्या होगी, वो रिलैक्स होगी और मॉइस्ट रहेगी, तो आपको आसानी होगी जो भी टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन है वो करने में, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट स्टेप देखिए, नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको जेंटली लिफ्ट ईच टेस्टिकल। जो आपको पहले क्या करना है, दोनों एक साथ इन टेस्टिकल को कभी भी ऐसे नहीं करना है, आपको क्या करना है कि हर टेस्टिकल को एक बार में एक बार ही क्या करना है, एग्जामिन करना है। तो पहले किसी एक टेस्टिकल को लिया, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, जो भी आपकी मिडल फिंगर है, ये मिडल फिंगर है, इसको नीचे की साइड में, टेस्टिकल के नीचे की साइड में, और जो थंब है वो टेस्टिकल के ऊपर की साइड में रखोगे, ठीक है। जो भी थंब है उसको टेस्टिकल के ऊपर की साइड में रखोगे, और जो भी मिडल फिंगर है, ये मिडल फिंगर है, ये टेस्टिकल के नीचे की साइड में, और जो भी ये थंब है ये टेस्टिकल के ऊपर की साइड में। जैसे आप इसमें डायग्राम में देख सकते हो, आपको ये डायग्राम दिखाया गया है, ठीक है। इसी तरीके से क्या करना है, मिडल फिंगर टेस्टिकल के नीचे की तरफ और जो थंब है वो टेस्टिकल के ऊपर की तरफ। फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, जेंटली रोल करना है, जो टेस्टिकल है उसको क्या करना है, रोल करना है, ऐसे रोल करके देखना है, ठीक है। ऐसे रोल करके देखना है कि उसमें किसी तरीके का लंप, स्वेलिंग और मास तो नहीं है, उसमें किसी तरीके का लंप, स्वेलिंग, मास तो नहीं है, ठीक है। मतलब हिंदी में बोलूं तो कोई गांठ, ट्यूमर बोलते हैं ना, ठीक है, किसी तरह की गांठ तो नहीं है, ठीक है। इसमें नेक्स्ट देखिए, अगर आपको नोटिस होता है कि किसी तरह के उसमें चेंज आ रहा है पिछले महीने से, ठीक है, पिछले महीने चेक किया आपने तो उसमें किसी तरीके का आपको थोड़ा बहुत चेंज देखने को मिला था, वही चेंज है, किसी तरीके का मास है अगर आपको देखने को मिल रहा है, तो आप क्या करोगे, जो भी हेल्थ केयर है उसको क्या करोगे, आप सूचित करोगे, उसको जाके बताओगे। जो भी हेल्थ केयर है फिर वो आपको चेक करेगा, डायग्नोस करेगा, डायग्नोस करने के बाद में अगर आपको टेस्टिकुलर कैंसर है तो उसका ट्रीटमेंट चलेगा, ठीक है। ये है टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन के बारे में। तो इस वीडियो में हमने पढ़ लिया ब्रिज सेल्फ एग्जामिनेशन के बारे में और टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन के बारे में, ये दोनों इम्पोर्टेंट है। तो अभी आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, आपका जो भी कोई कमेंट है वो कमेंट जरूर कीजिए। अगर आप नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, CNCI स्टाफ नर्स की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आपको ऑनकोलॉजी, अगर और भी वीडियो चाहिए तो आप हमारे जो भी गूगल प्ले स्टोर से एप्लीकेशन है वो डाउनलोड कीजिए। उसमें आपको नर्सिंग ऑफिसर कोर्स मिलेगा, उसमें ये सिर्फ 699 रुपये में मिलेगा, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज वगैरह मिलेंगे, PDF मिलेंगे, सब्जेक्ट के MCQ मिलेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे, नो नर्सिंग पार्ट मिलेगा और वीडियो लेक्चर, ठीक है। और वो भी आपको 1 साल के लिए मिलेंगे, 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ में, ठीक है। और अगर आप CHO की तैयारी कर रहे हो, UP CHO, MP CHO और हरियाणा CHO या हिमाचल CHO, पंजाब CHO, त्रिपुरा CHO, किसी भी CHO की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी एप्लीकेशन पे कोर्स है, वो सिर्फ 399 रुपये में है। उसके अंदर अभी आपको ये सभी जो भी कंटेंट है वो मिलेगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा कोर्स देखना है तो हमारी एप्लीकेशन है ओम नर्सिंग अकेडमी, सर्च करना गूगल प्ले स्टोर पे, वहाँ पे आपको हमारी एप्लीकेशन मिल जाएगी, एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और जो भी नर्सिंग ऑफिसर की और CHO की है वो तैयारी शुरू कीजिए, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना ही, ओम नर्सिंग अकेडमी के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।